Back to my YouTube channel. So today we have the brand new 2023 Husqvarna Swat Pillion 250 with us. So इस bike के बारे में special क्या है कि ये जो bike है ये same 250 Duke के engine के साथ आती है and उसके साथ इसमें आपको कुछ ऐसे exclusive features and एक कुछ आपको exclusivity देखने के लिए मिलेगी जो आपको इस segment और इस price में किसी भी bike में देखने के लिए नहीं मिलती. तो video के end तक बने रहिए वो सारे features and वो सारी exclusivity जानने के लिए एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बिफोर द डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस स्वाट पिलियन 250. सो ये जो मॉडल है KTM ने थोड़ा सा अपडेट किया है 2022-23 के वेरिएंट के लिए. सो अभी ईयर एंड में निकाला है, लॉन्च किया है KTM ने. सो वी आर कंसिडरिंग इट 2023. तो इसमें आपको एक सटल सा पेन स्कीम चेंज देखने को मिलता है. बट ये गाड़ी जो थी ये काफ़ी ज़्यादा अंडर रेटेड है. इसका विड पिलियन का भी मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया बहुत क्लियरली एंड बहुत अच्छे से कि ये क्यों अंडर रेटेड बाइक है. द वेरी फर्स्ट रीज़न इज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल 250cc इन द इंडियन मार्केट. और इस सेगमेंट में भी आप अगर इसको ड्यूक 250 से कंपेयर करोगे बिकॉज दिस ब्रांड कम्स अंडर KTM, आपका इसको आपको इसका सेल्स एंड सर्विस दोनों ही KTM के अंडर देखने के लिए मिलेगा. तो इसमें और ड्यूक 250 में क्या डिफरेंस है, ये जो गाड़ी है ड्यूक 250 से थोड़ी हल्की है एंड ये जो पावर प्रोड्यूस करती है ये 1 BHP ज़्यादा प्रोड्यूस करती है. सो ड्यूक 250 प्रोड्यूसेस समवेयर बिटवीन 29-30 BHP. बट ये बाइक में आपको 30-31 BHP के बीच में कुछ पावर प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा एंड वही सेम 24 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा विच अगेन मेक्स दिस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल 250cc इन द सेगमेंट. एंड सेकेंड थिंग इसमें आपको स्लिपर क्लच देखने के लिए मिलता है. यू हैव अ यूनिक लुकिंग स्क्रैम्बलर, एक्चुअली यूनिक स्क्रैम्बलर लुकिंग बाइक जो इस प्राइस पॉइंट में आपको सिर्फ आई थिंक सो ESD देती है. बट ESD का स्क्रैम्बलर काफ़ी अलग है, इट्स लाइक अ ऑल टेरेन बाइक एंड ये जो स्क्रैम्बलर है काफ़ी अर्बन स्क्रैम्बलर जैसा देखने के लिए मिल जाएगा आपको. एंड गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है. तो आपको वो चीज़ बहुत अप्रिशिएट करनी चाहिए बिकॉज आप जब इसको सिटी में चलाएंगे सो दिस विल यू नो दैट मैन्यूवेबिलिटी इज़ द ब्यूटी अबाउट दिस मोटरसाइकिल. एंड उसके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट है तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस टू यू. बट इसका जो सीट है वो भी फ्लैट है. सो इफ यू आर समवेयर अराउंड बिटवीन 50-75 kg आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज सीट फ्लैट है. तो आपको बहुत अच्छे से कंफर्टेबली मैन्यूवेबिलिटी के हिसाब से, सिटी ट्रैफिक राइडिंग के हिसाब से एंड इवन जब अगर आप लीन वगैरह करना चाहें उसके हिसाब से ही बहुत बेहतरीन देखने मिलेगा. अभी एक और जो इसका एक्सक्लूसिव फीचर है वो है इसके टायर्स. सो ये जो इकलौती बाइक है इस प्राइस पॉइंट में इसमें आपको MRF के ऑल टेरेन सॉर्ट ऑफ टायर्स देखने के लिए मिलेंगे. सो ये जो है ये बटन टायर्स हैं. अगर आप इसको विट पिलियन या ड्यूक 250 से कंपेयर करेंगे उसमें रेव C1 आते हैं आई थिंक सो एंड ये C2 या आई थिंक थोड़ा डिफरेंट सीरीज़ है. बट इसका जो टायर का ग्रिप है वो काफ़ी डिफरेंट है. तो आप इसको यू नो थोड़े से टफ टेरेन में भी लेके जा सकते हैं, आप इसको थोड़ा ऑफ रोड भी करवा सकते हैं. अगेन दिस डजेंट कम विद द स्पोक व्हील्स जो आपको इंटरनेशनल 401 स्वाट पिलियन में देखने में मिलता है. बट कंपनी ने इसको अलॉय व्हील्स देखने दिए हैं. दैट मेक्स इट यू नो ओवरऑल प्रैक्टिकल, मोर प्रैक्टिकल बिकॉज स्पोक के साथ वही प्रॉब्लम आता है कि आपका पंचर वंचर होगा तो आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है. सो इसमें आपको ऑल टेरेन टायर्स का एक एक्सक्लूसिव फीचर देखने में मिलता है. एंड द थर्ड थिंग इज दिस टैंक कवर, या आप बोल सकते हैं इसको एक यू नो अगर आप इस पर एक टैंक बैग लगाना चाहें तो आपको यू डोंट रियली नीड अ मैग्नेटिक टैंक बैग बिकॉज इसमें फाइबर का टैंक देखने में मिलता है. देन यू विल हैव टू स्ट्रैप फ्रॉम द हैंडल बार कोन सेट से एंड पीछे आपको फ्रेम से पूरा बांधना पड़ता है टैंक बैग को. बट इस गाड़ी में आपको एक टैंक कवर जैसा देखने के लिए मिलता है जिससे अगर आप एक बैग लेके जा रहे हैं या टैंक बैग खरीद रहे हैं तो आराम से आप इसको इसी टैंक कवर के साथ बांध सकते हैं विच मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट. एंड ये आपको बिल्कुल भी एक अलग से एक्स्ट्रा प्राइस देने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से आपको बाई स्टॉक गाड़ी का कंपनी के द्वारा मिल जाता है. देन दिस कम्स विद डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड बाई ब्रेक कैलिपर्स दिए हुए हैं. 320mm डिस्क ब्रेक फ्रंट में है, 230-240 आई थिंक रियर में है. ब्रेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस हैं, अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड है KTM के, वही सेम कंटिन्यू किया है काफ़ी सारी चीज़ में जो KTM अगेन यूज़ कर रहा है बिकॉज ट्राइड एंड टेस्टेड है. तो ओवरऑल कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है. वो स्लिपर क्लच जैसा मैं बताया दिया हुआ है इस गाड़ी में एंड विद दैट यू हैव दैट यूनिक लुकिंग अर्बन स्क्रैम्बलर लुक. और जो इसका सीट हाइट है दैट इज़ समवेयर अराउंड आई थिंक 835-840 के बीच में है विच इज़ नॉट वेरी यू नो इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. बट अगर आप एक 5'8" के ऊपर हैं तो आप इसको टिप टो करके आराम से चला सकते हैं. फॉर द रेफरेंस आई एम 5'10" इन हाइट एंड अगर मैं इस गाड़ी पर बैठूँ आई विल जस्ट शो इट टू यू.
तो मैं आराम से फ्लैट फुट बैठ सकता हूँ इसमें। एंड अगर पिलियन कोई बैठ रहा है मेरे साथ तो सीट हाइट थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाता है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँगा तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत ज़्यादा कम नहीं है, इट्स समवेयर अराउंड 150-155 mm, जो एडिक्वेट है इंडियन रोड कंडीशन को लेकर। अगर आप बड़े बम्पर पे से जा रहे हैं तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप स्लो जाए, नहीं तो नीचे आपका घिसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट देर इज अ प्लेट, देर इज अ प्रोविजन जो हुस्क्वर्ना या KTM ने दिया हुआ है कि अगर इवन अगर आपका वो नीचे घिसता है तो भी इट्स नॉट गोना बी अ बिग थिंग, वो प्लेट आराम से आपको प्रोटेक्शन दे देगा। नाउ कमिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट द फ्यूल टैंक, सो इसमें फाइबर का फ्यूल टैंक है एंड द फ्यूल टैंक इज 9.5 liters विच इज नॉट वेरी बिग, बट 9.5 liters में आप अराउंड 200-250 का रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस बाइक गिव्स अ वेरी सिमिलर माइलेज ऑफ ड्यूक 250, 30-35 हाईवे पे आप रियल टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड 28-30 अगर आप पुणे जैसे एकदम टेरिबल ट्रैफिक सिनेरियोज में चला रहे हैं तो उसमें मिलेगा। दिस इज माई पर्सनल यू नो माइलेज टेस्ट ऑन माई ड्यूक 250, आई ओन अ 250 ड्यूक BS4 एंड उसमें मेरे को इतना ही माइलेज मिलता है। इनिशियली आप अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइड, आपका राइडिंग स्टाइल क्या है एंड आप कितना यू नो सर्विस कराते हैं, गाड़ी कितने अच्छे से रखते हैं, उसके ऊपर पूरा आपका माइलेज डिपेंड करेगा। एंड ओवरऑल दिखने में भी गाड़ी अच्छी है, LED हेडलाइट देखने में मिलेगी राउंड, एंड उसको वरना ने राउंडल्स का बहुत अच्छा यूज़ किया। यू कैन सी द मिरर्स, द हेडलाइट्स, द इंस्ट्रूमेंट कंसोल एंड इवन द DRLs ऑल आर राउंड, तो उसको वरना राउंड के साथ बहुत अच्छा खेला हुआ है। एंड इवन आपका जो फ्यूल टैंक का कैप है वो भी राउंड देखने के लिए मिलेगा आपको, तो राउंड का काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है। यू हैव LED इंडिकेटर्स एज वेल, दीज आर द यू नो मोस्ट लुक यूनिक लुकिंग इंडिकेटर्स इन दिस सेगमेंट। KTM के बिल्कुल भी रीयूज़ नहीं किए इन लोगों ने, खुद से एक नया डिज़ाइन करके एक LED इंडिकेटर्स हुस्क्वर्ना को दिया है विच इज़ अगेन प्रीटी गुड। टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है, सारी इंजन माल फंक्शनिंग लाइट देखने मिल जाएगी आपको। ABS रोड ऑफ रोड दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, रोड पे दोनों ABS चालू रहेंगे। ऑफ रोड कर देंगे जो आप डायरेक्टली डिजिटल कंसोल से कर सकते हैं, रियर ABS ऑफ हो जाएगा, आपका फ्रंट ABS चालू रहेगा। तो अगर आप ऑफ रोड कर रहे हैं तो दैट्स गोना बी अ गुड थिंग। एंड आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन ट्रिप ए ट्रिप बी ओडो RPM स्पीडो एंड सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा जो ड्यूक 250 का आपको इंजन देता है, सो दैट इज़ अगेन वेरी गुड। तो अभी इसका हम एक शॉर्ट टेस्ट ड्राइव करेंगे, मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी डिटेल राइड रिव्यू बनाया हुआ है, बट अभी हम एक बार वापस 2022 एंड में इसके एक रिविजिट टेस्ट ड्राइव करेंगे एंड देखते हैं कैसी है गाड़ी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, सो लेट्स स्टार्ट राइडिंग दिस अमेजिंग ब्यूटी स्वाट पिलियन 250। सो जैसे ही आप हॉप ऑन होंगे द वेरी फर्स्ट थिंग विच यूल नोटिस इज हाउ कॉम्पैक्ट दिस बाइक इज एंड यू हैव अ स्ट्रेट हैंडल बार विच यू नो मेक्स दिस वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल 250 cc's। अगेन एडवेंचर एंड यू नो स्क्रैम्बलर लुक में काफ़ी कम्फर्टेबल है ये, आपको उसको ना कि ऐसी चाबी देखने के लिए मिल जाएगी एंड विद दैट द इग्निशन की इज ओवर हियर। यू हैव अ इंजन स्टार्ट इंडिकेटर स्विच हाई बीम लो बीम पास एंड द हॉर्न। So let's just hear the exhaust note first. And you have the buttons to maneuver in the instrument console and everything. So the instrument console gives you every sort of information. So we'll just put this on the first and let's start riding. एंड इसका एक जो बढ़िया बात है कि गाड़ी का सीट जो है काफ़ी पतला है तो आपको कंफर्टेबल रहता है बिकॉज द बाइक इज़ क्वाइट कॉम्पैक्ट एंड दैट गिव्स यू मोर स्पेस टू मनूवर दिस इन द सिटी ट्रैफिक एंड वी आर इन अ पार्किंग स्पेस राइट नाउ। ऑल्सो द फुटबैक पोजिशनिंग इज़ ऑन द रियर साइड, तो आप एक स्पोर्ट्स पोस्चर पे बैठे हैं बट द हैंडल बार्स आर अप स्ट्रेट एंड थोड़ा सा आगे झुका हुआ हूँ मैं, सो इट्स नॉट दैट अनकम्फर्टेबल, नॉट दैट प्रीटी comfy but somewhere in the middle but feels good। also गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है तो इसका जो पावर टू वेट रेशियो है वो भी काफ़ी बढ़िया हो गया इस वजह से। also the exhaust note sounds pretty good after the BS6 norms, काफ़ी गाड़ियों का exhaust note ख़राब हो गया है बट इसका काफ़ी बेसी है, काफ़ी स्मूथ है एंड इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, काफ़ी अच्छी एंड स्मूथ पावर डिलीवरी है। दिस फील्स लाइक अ 250 cc इंजन। ऑल्सो इट्स वेरी इजी टू
जस्ट मनोवर दिस बाइक। पिकअप भी काफ़ी अच्छा है, अगेन जैसे मैं बताया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल 250 सीसी इन द इंडियन मार्केट। बैक टू द शोरूम एंड वील अगेन गो अप इन द पार्किंग स्लॉट। सो बिग थैंक्स टू KTM Mann Garden फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस व्हीकल। सो इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज दिस, I'll drop down their contact number in the description section below. You can contact them. उनके पास ये दोनों गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, स्वाट पिलियन भी विट पिलियन भी। अब मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको एम्प्टी पार्किंग स्लॉट में घुमाने में, एंड लास्ट ईयर से इसका जो रिफाइनमेंट है वो आई थिंक थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। ऑल्सो अभी मेरे को ये गाड़ी काफ़ी यूज टू हो चुकी है चलाने के लिए, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो ओन्स दिस, तो उसने अपनी गाड़ी पे एक्राफोबिक वगैरह लगाया है, कस्टम डिकेल लगाया है, एंड वी हैव बीन टू लॉन्ग राइड्स टुगेदर। सो यू नो दिस बाइक इज समथिंग विच आई रियली अप्रिशिएट, एंड ड्यूक 250 से कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चीप है ये। सो अराउंड 20-25,000 के आसपास आपको चीप देखने के लिए मिल जाएगी ड्यूक 250 से। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ KTM एंड यू डोंट वांट टू गो फॉर ड्यूक 200 एंड आपका बजट नहीं है कि आप अगर ड्यूक 250 ले सके, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक इन द मिडल, आप इसको ले सकते हैं। ऑल्सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ अर्बन स्क्रैम्बलर, देन ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक विच यू कैन गेट, बिकॉज ESD का क्या है, ESD गाड़ी अच्छी है बट उसका रिलायबिलिटी एंड आफ्टर सेल सर्विस के बारे में आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। सो दिस इज समथिंग विच KTM हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2020। सेल्स एंड सर्विस KTM देखता है, सो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम देने की ज़रूरत नहीं है। सर्विस नेटवर्क, सर्विस अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस बाइक का। सो आई थिंक अ गुड बाइक, एंड इसका प्राइस जो है वो मैं एग्जैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट यू कैन हैव अ एग्जैक्ट आइडिया अपॉन द प्राइसिंग। सो यही था इस वीडियो के लिए, वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड लेट्स सी ईच अदर इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।